हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी आज की साइंस की वर्कशीट है 10th क्लास के लिए, और जिसकी कार्यपत्रक की जो संख्या है वो है 54। ठीक है, तो आज इसमें हम क्या है, प्रकाश परावर्तन तथा गोलीय दर्पण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्या कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है ना, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब प्रकाश नहीं होगा तो क्या है, हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, प्रकाश के गुण हैं। प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, सबसे पहले तो ये गुण है इसका। दूसरा क्या है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, जिसकी जो वैल्यू होती है वो क्या है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब है प्रकाश, हमने ये पढ़ लिया किसे गुण कौन कौन से। अब है प्रकाश परावर्तन, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, जैसे कि दर्पण, जैसे कि आप कोई बॉल फेंकते हैं दीवार पे, तो क्या है वो बाउंस बैक होती है, वो क्या दोबारा क्या है आप फेंकते हैं तो क्या पीछे आती है। तो उसी तरीके से आप क्या है प्रकाश परिवर्तन को समझ सक परावर्तन को समझ सकते हैं कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है, जैसे ये कोई शीशा है तो टकराया तो क्या वापस आएगा। ठीक है, अब गोले दर्पण, ये है हमारा गोले दर्पण। गोले दर्पण कोई ऐसा होता है, अगर हमने इसको बीच में से काट दिया तब इसको बता रखा है, जो अगर हमने इसे काटा, काट के काट से कहोगे ऐसा, ठीक है, तो ये जो अंदर का गुफा सी है, ये होगा चमकदार सफ़ेद सरफेस है ये। ठीक है, और ये क्या सी है, ये अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, और ये क्या है हमारा उत्तल दर्पण, जिसमें क्या है ये वाली सरफेस जो है चमकदार होती है, ये वाली। ठीक है, तो हमने ये दोनों इसमें क्या है अब पढ़ लिए। अब क्या है, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ सतह है, जैसे दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। जैसे क्या है पॉलिश, जैसे हमारा देखने वाला शीशा होता है वो क्या है, हम उसमें कैसे देख पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या है जो पूरा प्रकाश होता है वो क्या है वो वापस क्या है उसको फेंक देता है, तो हम उसके कारण क्या अपने आप को देख पाते हैं। ठीक है, अब हमने जो 9th क्लास में जो हमने पढ़े थे हमने जो नियम पढ़े थे, हम उसको क्या है प्रकाश के परिवर्तन के नियम को एक बार हम रिवाइज करते हैं। क्या कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जैसे ये आपतन कोण है, ठीक है, ये क्या है परावर्तन कोण के बराबर होगा, मतलब जो आपतित किरण जो आप देख रहे हैं यहाँ से आएगी और स्ट्राइक होकर टकरा के क्या है वापस जाएगी, तो ये जो आपका कोण बनेगा आई और आर क्या है ये एक जैसा, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी बराबर होगी। और ये क्या है आपका आपतित किरण बिंदु के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तन किरण सभी एक ही तल पे होंगे, ये जो अभिलंब है आपका आपतन किरण और ये सारे क्या है आपको एक ही तल पे दिखाई दे रहा है, तो ये हमने अब तक ये पढ़ा। ठीक है, अब हमारा क्या है, अब एक गोले दर्पण द्वारा रेखा गए, अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में ये दोनों हमारे दोनों पार्ट क्या है कवर हो जाते हैं, तो हम पहले क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। क्या पहला क्वेश्चन क्या हमारा कि गोले दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम बताइए, रेखा सहित क्या है हमारा, ये हमारा फर्स्ट का क्वेश्चन हमारा ये है ये वाला, तो इसको हम समझते हैं क्या कि गोले, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि गोले दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, क्या है ये आपका क्या है मुख्य अक्ष है, जब ये यहाँ से गुजरती है तो ये क्या फोकस से गुजरेगी, क्या आपका ये क्या है, ये कोई आपकी ये सीधी रेखा है, ये फोकस वाली रेखा, ये फोकस है आपका, अगर हम कोई जो किरण यहाँ मारेंगे तो ये क्या है ये फोकस से जाके गुजरेगी। ठीक है, ऐसा ही इसमें भी ये भी फोकस जाके गुजरेगी, लेकिन इसको क्या है इसको पीछे बनाना पड़ेगा तब ये इसके जाएगी। ऐसे ही ये वाला क्या है कि वक्रता केंद्र सी, ये सी है से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद सी से ही वापस आएगी, जैसे ये क्या है ये कोई ये लाइन है हमारी मुख्य अक्ष है, क्या है यहाँ से ये आपका सी है, तो ये कोई रेखा होगी यहीं से जाएगी और यहीं से जाएगी और यहीं से ही वापस आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हमारा इसमें दे रखा है कि जब हम पीछे की साइड इसको बनाएंगे तब ये वहीं से जाएगी और वहीं से ही वापस आएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है कि मुख्य अक्ष से तिरछी रेखा, अब क्या है आपका मुख्य अक्ष ये है, यहाँ से तिरछी रेखा जो आएगी, तिरछी रेखा जो आती कौन जो आती है उसको क्या बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, ये आपतित किरण जहाँ से आएगी वहीं से दूसरी तो है तिरछी ही परिवर्तित हो जाएगी, जैसे हमारा हमने प्रकाश के परिवर्तन के नियम पढ़े थे वो यही है कि जो आपतित किरण होती है वो क्या है जब सरफेस से टकराती है तो क्या है वापस चली जाती है, और जितना एंगल ये होगा आपका उतना ही एंगल ये होगा। ठीक है, ये हमको क्या है इस वाले में बता रखा है, और ये भी आपका क्या है यहाँ पे आएगी तो यहाँ से टकरा के बाहर निकल जाएगी, एरो पर आप जो है बस ध्यान रखिए। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है,
ठीक है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में आपके ये तीनों पॉइंट है, मैंने आपको समझा दिया एक एक पॉइंट, इसको आप ध्यान से कर लेना। ठीक है, अब है सेकंड क्वेश्चन कि अवतल दर्पण में ध्रुव, ध्रुवारक, वक्रता, त्रिज्या और फोकस को अंकित कीजिए। आपका सेकंड क्वेश्चन जो है ये रहा। आपको सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये डायग्राम जो है डायग्राम बनाना है, आपको और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये आपका डायग्राम है। एक बार हम इसके मेन मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है कि मुख्य अक्ष क्या होता है, पोल और ध्रुव के केंद्र को जोड़ने वाली रेखा क्या होती है, उसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं, ये वाली रेखा। ठीक है, अब है पोल। पोल क्या है आपका, गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र पर, ये क्या है, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, इसके क्या है, केंद्र पर, ये केंद्र है इसका, ये क्या कहला, ये पोल कहला रहा है, जैसे ये लिखा। द्वारक अपर्चर क्या होता है, ये वाला पार्ट पूरा, ये एम और ये एन, ये पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे हम, गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, जितना इसका व्यास हो, डायमीटर होगा, उसको पूरे को क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे या द्वारक बोलेंगे। अब क्या है वक्रता सी, ये सी सी क्या है, अगर आप ऐसे इसको इमेजिन करें कि ये पूरा क्या है, गोलार्ध है, तो इसके बीच का केंद्र, अगर ये पूरा गोलार्ध इसको आप समझे जैसे इसमें दे रखा है, तो इसका बीच का केंद्र क्या होगा हमारा, वक्रता केंद्र कहलाएगा, सी कहलाएगा। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अब क्या है वक्रता त्रिज्या, गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर एक गोले का भाग होता है, गोले त्रिज्या का वक्रता, ये क्या है, ये जो हमारी यहाँ से हमने ये जो सी बनाया था और हमारा ये पोल था, इसके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियस, जो ये लिखी है आपकी। ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया, सारे पॉइंट हमारा रह गया फोकस, और ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु में मिलती है उसे हम, या मिलती है उसे हम एफ कहते हैं, क्या है, परावर्तन होने के बाद किसे मिलती है, यहाँ पे, तो ये है फोकस है। ठीक है, और फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी एफ कहलाती है। ठीक है, किसके बीच में, पोल और इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है, आपका ये पी है, और इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, ध्रुवीय पोल, इसको हम फोकल लेंथ भी बोलते हैं। और इसको निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, जितना आर होता है उसका हाफ कर दो तो आपकी फोकस दूरी निकल जाएगी। तो ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या है, ये डायग्राम बनाना है, बस ये आपको समझने के लिए है कि जो आप इसमें लिख रहे हो कि पी क्या होता है, सी क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी आज की 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट है। बच्चे अच्छी लगी हो तो कंजूसी मत करना, लाइक करने, और बच्चों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तहे दिल से शुक्रिया, और ऐसे ही देखते रहिए, ये आपकी तरफ से हमारी बहुत बड़ी हेल्प होगी। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।